पहला केस सामने आया है। गोंडा से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जांच में युवक कोरोना पॉजिटिव मिला है। बड़ी जानकारी गोंडा से निकलकर सामने आ रही है। आइसोलेशन वार्ड में फिलहाल उस शख्स को भर्ती किया गया है। अब जो टीम है वो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को खंगालने में जुटी हुई है। अभिषेक में अच्छा सर लोग हैं तो क्या जाइए। आज सुबह KGMU से जो हमने सैंपल भेजे थे उसमें एक पॉजिटिव रिपोर्ट हमें मिली है। जो पेशेंट मिला है उसको L1 फैसिलिटी जो हमारी क्वांटरी प्रकाल में बनाई गई है उसमें उसको शिफ्ट कर दिया गया है। उनके परिवार के जो लोग हैं उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की फैसिलिटी जो हमारी गोंडा में स्थापित है उसमें किया गया है। उनके साथ कुछ और लोग भी थे जिनके रिपोर्टें नेगेटिव थी पर उनको भी एहतियातन हमने अपनी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन फैसिलिटी में उनको शिफ्ट कर दिया है। गाँव को सील करने की कार्रवाई हमने कर दी है। वहाँ पर 1 किलोमीटर के रेडियस में कंटेनमेंट की एक्टिविटी की जा रही है। वहाँ पर चिकित्सा विभाग और हमारी दूसरे अन्य विभागों की मदद से टीमें बनाते हुए घर घर वहाँ पे सर्वे कराया जा रहा है ताकि किसी कोई भी ऐसा कोई सैंपल ना बचे जिसकी हम जांच ना करा पाएं या फिर कोई भी ऐसा कोई पेशेंट ना हो जिसके अंदर कोई लक्षण हो जिसके अंदर हमें जाँच कराने की जरूरत है और उसकी जाँच कराई जाए। क्या कुछ लोगों को और लाया गया है मुख्यालय पे एम्बुलेंसों से? जैसा मैंने पहले बताया कि एक पेशेंट जो पॉजिटिव पाए गए हैं उनको L1 में शिफ्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त जो पेशेंट जिसको पॉजिटिव पाया गया उनके परिवार को इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटी में क्वारंटाइन किया गया है। उनको यहाँ पर रखा जाएगा। अगर उनके अंदर कुछ लक्षण आते हैं सिम्टम्स आते हैं तो उनकी भी टेस्टिंग कराई जाएगी। ये तो जो क्वारंटाइन का हमारा प्रोसीजर है उसको पूरा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक और परिवार था जिनकी टेस्टिंग हुई थी जो उनके साथ ट्रैवल किए थे जिनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है उनको भी यहाँ पर लाया गया है। उनके परिवार को भी यहाँ पे रखा जाएगा और उनको भी क्वारंटाइन किया गया है। सर इसके अलावा और इलाके में भी कुछ लोग और मुजहना से कुछ लोगों को लाया गया है जमातियों को जो कहीं अलग थे पहले गौरव चौकी थाना क्षेत्र। ऐसा कोई और कोई केस नहीं है। बाकी टेस्टिंग एक रूटीन प्रोसीजर है जो हर दिन हम तकरीबन 25 से 30 सैंपल जाँच के लिए भेजते हैं। वो लगातार भेज रहे हैं और ये भी सैंपल जाँच में भेजा गया था उसके बाद पॉजिटिव।